दिवाकर एक गरीब किसान है जो फल और सब्जियां उगाकर अपना परिवार पालता है। वो अपने बगीचों में गोबर और बाकी जैविक खाद का प्रयोग किया करता है, जिससे उसकी उगाई बहुत सी चीजें ताज़ा होती है और सभी ग्राहक उससे ही फल और सब्जियां खरीदते हैं। अरे दिवाकर बाबू, ये पपीते कैसे दिए? 50 रुपए के हैं। 2 पपीता दे दीजिए। ये लीजिए 100 रुपए। दिवाकर के पास ग्राहकों की कमी नहीं है, पर उसी के बगल में ठेला लगाए बैठे भैरव के पास दिन में सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आते हैं, क्योंकि भैरव फल और सब्जियां उगाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, जिससे उसकी उगाई चीजें ताजी नहीं होती और उसकी आमदनी भी कम होती है, और इसी वजह से वो दिवाकर से जलता है। इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा पूरा धंधा चौपट कर देगा। भैरव कुछ सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद भैरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को फंसाने की साजिश करता है। सुनो दिवाकर भाई, तुम्हें पता है सरकार ने किसानों को सरकारी बीज देने की बात कही है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है भाई तुमने। अच्छे बीज मिलेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से फल सब्जियां उगा सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलो मैं बीज लेने जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो। भैरव अपने साथ दिवाकर को ले जाता है और उसे एक सरकारी बीज भंडार से बीज के कुछ पैकेट्स देता है। बीज लेने के बाद दिवाकर वहाँ से चला जाता है और भैरव अपनी चाल चलता है। वो अखबार में खबर छपवाता है कि सरकारी बीज भंडार से एक आदमी ने बीज चोरी किए हैं। भैरव उस अखबार को लेकर दिवाकर के पास जाता है। देखो दिवाकर भाई, किसी ने सरकारी बीज भंडार से बीज चोरी किए हैं और तुम्हारे पास भी कुछ पैकेट बीज के हैं, इसीलिए पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है। पर ये बीज के पैकेट तो तुमने मुझे दिए है ना? हाँ मैंने दिए थे, पर ये बात पुलिस को थोड़ी पता है कि किसको बीज मिले हैं और किसने चोरी की है। तो अब मैं क्या करूं? जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर मैं जाऊँ कहाँ? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भैरव दिवाकर को लेकर दूर एक घने जंगल में जाता है, जहाँ पर एक अंग्रेजों के जमाने का जेल बना हुआ है। तुम कुछ दिन इसी जेल के अंदर छिपे रहो, बाद में मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मुझे उस बेमतलब की आफत से बचा लिया। भैरव वहाँ से वापस आ जाता है और दिवाकर जेल के अंदर एक तहखाने में छिप कर रहने लगता है। अच्छा हुआ जो दिवाकर का बच्चा यहाँ से चला गया, अब लोगों के पास मेरी फल सब्जियाँ खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और भैरव महंगे दाम पर फल और सब्जियाँ बेचने लगता है। भाई साहब, आलू कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। पर ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, मैं तो ऐसे ही बेचूंगा, नहीं लेना है तो जाकर शहर से खरीद कर लाओ। ग्राहक को मजबूरी में भैरव से सब्जियां खरीदनी पड़ती है। दिवाकर के न होने का भैरव पूरी तरह से फायदा उठाने लगता है। इसी बीच कुछ चोर शहर की एक बड़ी सुनार की दुकान से सोना चुरा कर शहर से दूर जंगल की तरफ आते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें ये पुरानी जेल दिखती है। सभी आकर इस जेल के पास जाते हैं। इस सोने को छुपाएं कैसे? कुछ तो नया उपाय ढूंढना पड़ेगा, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो समझ लो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। क्यों ना हम इस सोने को गलाकर ईंट बनाए और इसे जेल के बाहर से लगा दें? इससे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे तुम चोर हो पर तुम्हारा दिमाग तो पुलिस से भी तेज है। सभी चोर शहर से चुराए हुए सोने को आग से पिघलाते हैं और उनसे ईंट बनाने लगते हैं। चोर सोने से बनाई हुई ईंटों को जेल के बाहर से लगा देते हैं, जिससे पूरी जेल सोने की बन जाती है और चमकने लगती है। ये हुई ना बात, देखो हमने अंग्रेजों की इस जेल को सोने की जेल में बदल दिया है। अब पुलिस तो क्या, सीबीआई वाले भी हमको पकड़ नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं और शहर जाकर मजे करते हैं।
सभी चोर खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन बीत जाने के बाद भैरव दिवाकर को देखने के लिए जंगल में आता है। वो जेल के अंदर जाता है और जोर से आवाज लगाता है, बाहर आ जाओ दिवाकर भाई, मैं भैरव हूँ। भैरव की आवाज सुनकर दिवाकर जेल के तहखाने से बाहर आता है। अच्छा किया भाई जो तुम मुझसे मिलने आ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर ही जाता। भैरव दिवाकर को देखता है और अपने मन में सोचता है, तू मर जाएगा तो मेरा तो फायदा ही फायदा होगा। भैरव के मन में दिवाकर को धोखा देने का विचार आता है। वो दिवाकर से कहता है, अरे भाई क्यों मरने की बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो चलो मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ, वहाँ पर कुछ देर ताजी हवा में बैठते हैं, वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। दिवाकर और भैरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी वहाँ से एक सोने की ईंट नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों रुक जाते हैं। भैरव देखता है कि ईंट बहुत चमकदार है, वो पास जाता है और ईंट को उठाता है। ये तो सोने की ईंट है। भैरव जेल की तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि पूरी जेल सोने की ईंटों से बनी है। ये देखकर भैरव बहुत खुश हो जाता है। उसको खुश होता हुआ देख दिवाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। भैरव ईंट को पीछे छुपाते हुए हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। पर तुमने ही तो कहा कि हम दोनों नदी किनारे ताजी हवा में जाएंगे और तुम मुझसे कुछ बात भी करना चाहते थे। मैं ये कह रहा था कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने बीज भंडार से सरकारी बीज चुराया था, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जाओ अब तुम अपने घर जा सकते हो। ये तो तुमने दिल खुश करने वाली खबर सुना दी, चलो घर चलते हैं। नहीं मुझे कुछ काम है, तुम चलो मैं बाद में आता हूँ। ठीक है तुम अपना काम खत्म करके आओ, मैं जा रहा हूँ। दिवाकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सोने की ईंटों से बनी जेल को देखकर भैरव खुशी से पागल हो जाता है। मेरी तो लॉटरी लग गई, कहां 50 रुपए की सब्जियां बेचनी पड़ती थी और अब करोड़ों का सोना मेरे हाथ लग गया है। भैरव जेल की दीवारों पर लगी सोने की ईंटों को निकालने लगता है और पास में पड़े एक थैले में सोने की ईंट भरने लगता है। तभी शहर से सारे चोर वापस आ जाते हैं। अच्छा बेटा तो हमने ये सोना क्या तुम्हारे लिए चुराया है? कौन हो तुम, हमारा सामान चुराते हो और हमसे ही पूछते हो कि कौन हो तुम? ये सोना मेरा है, इसे पहले मैंने देखा है, पर इसे यहाँ तो हम लेकर आए हैं ना। भैरव चोरों की बात को अनसुनी करके सोने की ईंटों को थैले में भरने लगता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसके हाथ पैर तोड़ते हैं। तीनों चोर मिलकर भैरव को मारने लगते हैं। ये सभी लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले जो कि इस जंगल के पास से गुजर रहे थे वो इन्हें देख लेते हैं। वो देखो वहाँ पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो। इंस्पेक्टर सोने की जेल के पास आ जाते हैं। आप रे इतना सारा सोना, ये सोना हमारा है, हमने इसे शहर से चुराया है। अच्छा तो शहर में जो सोने की चोरी हुई है वो तुम लोगों ने की है, हवलदार इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब मैं चोर नहीं हूँ। अगर चोर नहीं हो तो ये सोना थैले में भरकर कहाँ ले जा रहे थे? इंस्पेक्टर सभी चोरों को और भैरव को जेल में बंद कर देता है और सारा सोना ले जाकर शहर में उस सुनार को वापस कर देता है जिसकी दुकान से ये सोना चोरी हुआ था। दूसरी तरफ दिवाकर मेहनत करके अपने खेतों में फल सब्जियां उगाता है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। नंदन एक किसान था, उसकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो लाला के खेतों में काम किया करता था। वो सारा दिन खेतों में काम करता था और जब फसल की कटाई होती थी तब लाला जी वहाँ पहुँच जाते। अरे वाह वाह वाह, गोलू भोलू उठा लो सारी सब्जियाँ, उठा लो। अरे लाला जी मेरा हिस्सा? अब वो तो मैं भूल ही गया। लाला ने अपने आदमियों को इशारा किया और आदमियों ने कुछ सब्जियाँ और धान अलग कर दिए।
लाला जी ये तो बहुत कम है। अच्छा अब तेरे मुंह में जुबान भी आ गई है, तू मुझे बताएगा क्या कम है और क्या ज्यादा है। लाला जी ये मेरे हक का हिस्सा है, मैं दिन भर आपके खेतों में काम करता हूँ तो मुझे अपना हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। हाँ? बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी, तुझे मेरे खेतों में काम करना है तो कर, तुझे इतना ही हिस्सा मिलेगा, समझा। लाला के आदमियों ने बाकी सारा अनाज और सब्जियाँ उठा ली और वहाँ से निकल गए। नंदन परेशान हो गया, अब इतने कम सब्जियों को बेचकर मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा, हे भगवान मेरी कुछ तो मदद कर। वो सब्जियाँ और अनाज लेकर नंदन मंडी पहुँचा, वहाँ उसने व्यापारी को सब्जियाँ बेची। इन सब्जियों के 500 रुपए हुए और इस धान के 1000, ये लो भाई। पूरे महीने काम करके नंदन को बस 1500 रुपए मिले थे, वो निराश हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बेटा मेरी थोड़ी मदद कर दो, दो दिनों से कुछ नहीं खाया है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। अम्मा मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। तो मुझे थोड़े पैसे ही दे दो बेटा, मैं कुछ खा लूंगी। नंदन ने अपनी जेब टटोली, उसमें बस 1500 रुपए थे। नंदन ने 100 रुपए का नोट उस बूढ़ी औरत को दे दिया। तुम्हें खुद पैसों की कमी है और तुम मुझे पैसे दे रहे हो बेटा, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे, खुश रहो। नंदन वहाँ से निकलने ही वाला था कि उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका। रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये टमाटर का पौधा है, इसे अपने घर के आंगन में बो देना। नंदन ने वो टमाटर का पौधा लिया और वहाँ से चला गया। घर पहुँचकर उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। लाला दिन ब दिन खून चूस रहा है, वो कभी हमें खुशी से जीने नहीं देगा। वो तो है ही करम चला, पर आपने अच्छा किया, उस बूढ़ी औरत को पैसे दे दिए, कम से कम वो एक वक्त का खाना तो खा लेगी। लाइए ये पौधा मैं लगा देती हूँ। मीना ने वो पौधा आंगन में लगा दिया। अगली सुबह सूर्योदय के बाद मीना पौधों को पानी देने घर से बाहर आई और टमाटर के पौधे को देखकर हैरान हो गई। अरे सुनिए जी, जल्दी जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? वो देखिए, टमाटर के पौधे पर सुनहरा टमाटर। वो सुनहरा टमाटर नहीं, सोने का टमाटर है। मतलब वो बुढ़ी औरत मुझे जादुई टमाटर का पौधा दे गई? वो कोई आम औरत नहीं थी, वो कोई फरिश्ता थी, फरिश्ता। मीना के ऐसे बोलते ही उस पौधे में से एक धुआं निकला और वो बूढ़ी औरत दिखने लगी। भगवान हर किसी के पास खुद नहीं आ सकते, इसीलिए लोगों की अच्छाई आजमाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। नंदन तुम भले इंसान हो, इसीलिए ये सोने के टमाटर का पौधा मैंने तुम्हें दिया। इस पौधे में रोज एक सोने का टमाटर उगेगा, लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। वो धुआं आसमान की ओर उड़ गया और नंदन और मीना के तो भाग्य ही खुल गए। उस सोने के टमाटर को बेचकर नंदन ने अपना खुद का खेत खरीद लिया और नंदन का छोटा सा घर अब 2 मंजिला इमारत बन गई। नंदन और उसकी पत्नी मीना अब बहुत सुखी थे। सोने के टमाटरों की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लाला को भी ये बात पता चली। सोने के टमाटर! उन सोने के टमाटर के पौधों की वजह से नंदन रातों रात अमीर बन जाएगा। वो पौधा मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे चाहिए। चलो सबके सब चलो। लाला तमतमाता हुआ नंदन के घर पहुंचा। नंदन, ओए नंदन, निकल बाहर। कौन है, कौन है जो भूखे कुत्ते की तरह शोर मचा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे भूखा कुत्ता बोलेगा?
गलती हो गई लाला जी, आपको तो सुअर बोलना चाहिए था ना। हंसती है, मुझ पे हंसती है, दो पैसे क्या आ गए? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओगे? गोलू भोलू, नंदन की पत्नी को पकड़ लो। गोलू भोलू ने तुरंत मीना के हाथ बांध दिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चल हमारे साथ। छोड़ दो मुझे। मेरी पत्नी को छोड़ दो, छोड़ दो लाला जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुझे तेरी पत्नी चाहिए तो वो सोने के टमाटर का पौधा मुझे दे दो, दे दो, दे दो। लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नंदन को बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और उसके चेहरे पे मुस्कान आई। मैं देता हूँ, मैं तुम्हें वो पौधा दूंगा, पर तुम्हें खुद उस पौधे को जमीन से उखाड़ना होगा। अब हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसमें कौन सी मुश्किल है? नंदन लाला को आंगन में ले गया। वो रहा वो सोने के टमाटरों का पौधा। वाह वाह, अब वो पौधा मेरा है, मेरा। लाला ने जैसे ही पौधे को खींचने की कोशिश की, जमीन में से पौधे की लंबी लंबी जड़ें बाहर आ गईं और लाला के शरीर पर लिपट गईं। अरे रे रे, ये क्या? गोलू भोलू, बचाओ 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 मुझे। लाला को बचाने के लिए उसके चेले आगे आए और पौधों की जड़ों ने गोलू भोलू को भी लपेट लिया। बचाओ बचाओ। अरे लाला, तेरी वजह से हम भी फंस गए, बचाओ। पौधे की जड़ों ने लाला के साथ साथ गोलू भोलू को भी जमीन में खींच लिया। अब हमें कोई सता नहीं सकता। बिल्कुल, लाला का अंत हुआ और उस दिन के बाद नंदन और मीना के साथ साथ गांव वालों की भी जिंदगी सुखद हो गई। सभी को लाला की ज्यादतियों से आजादी मिल गई। नंदा के सोने के टमाटर के पौधे ने उसे तो अमीर बनाया ही, साथ ही उसने लाला जैसे दुष्ट का भी अंत किया। सोनपुर एक रहस्यमय और गुप्त गांव था। इस गांव में सोना ही सोना था। गांव पर शैतान का राज था। शैतान तलवार की नोक पर गांव वालों से काम करवाता था। शैतान के चेले चाबुक से मजदूरों को मारा करते थे। फटाफट हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी, अगर एक भी रुका तो तुम लोगों की चमड़ी छील दूंगा। हम सब पर थोड़ा तो रहम करो। मुझे बहुत भूख लगी है। अब जब तुम काम पूरा करोगे तभी तुम्हें खाने को मिलेगा, ये हमारे आका का हुक्म है, तो जुबान चलाने से ज्यादा हाथ चलाओ अपने। चाबुक की आवाज गूंजती और मजदूर डर के मारे काम करने लगते। शैतान की फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे। कुछ सोना पिघलाकर उससे सोने की ईंटें बनाते थे और कुछ सोने की ईंटें यहाँ से वहाँ ले जाते थे और सभी पर पहरा देते थे शैतान के बेरहम चेले जो उन्हें चाबुक से मारा करते थे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमें इस कैद से आजाद करो। यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, यहाँ सिर्फ मेरा राज है, मेरा। तुम्हारी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है बुढ़िया। हे महाबली हनुमान, इस शैतान को इसके किए की सजा दे, कृपा करो हनुमान। बूढ़ी औरत की पुकार हनुमान जी के कानों तक पहुंची। मेरे भक्त संकट में, मुझे उनकी रक्षा करनी ही होगी। हनुमान जी ने एक युवक का रूप लिया और उड़ते हुए सोनपुर आ पहुंचे।
वो मजदूरों के बीच शामिल हो गए। शैतान का एक चेला बूढ़ी औरत पर चाबुक चलाने ही वाला था कि हनुमान जी ने उसका चाबुक रोक लिया। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ, बूढ़ी अम्मा को क्यों मार रहे हो? उनकी उम्र देखकर तुम्हें तरस नहीं आता क्या? अरे हम शैतान के चेले हैं, हमें किसी पर तरस नहीं आता, ना उस बूढ़ी औरत पर और ना तुम पर। शैतान के चेले ने हनुमान जी पर चाबुक बरसाना शुरू कर दिया। हनुमान जी हंसते हंसते चाबुक की पीड़ा सहने लगे। अरे रे रुक जाओ, जान लोगे क्या उस बच्चे की? रुक जाओ, शैतान कहीं के। अरे चुपचाप अपना काम करो। हाँ सब काम कर रहे हैं, तुम उसे मत मारो। ठीक है ठीक है। शैतान का चेला वहाँ से चला गया और सारे मजदूर काम करने लगे। बूढ़ी औरत युवक के पास गई। बेटा बहुत दर्द हो रहा होगा ना, उस नास पीटिए ने कितना मारा है तुम्हें, शैतान कहीं का। कोई बात नहीं अम्मा, कम से कम आप बच गई। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। एक तू है और एक मेरा बेटा। खैर छोड़, काम कर। बूढ़ी औरत सोने की ईंटें उठाने लगी। हनुमान जी भी उसी के साथ जुड़ गए। अम्मा आप यहाँ कैसे पहुँची? अब क्या बताऊँ, मैं बूढ़ी हो गई थी, अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई थी, तो उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। कई दिनों तक मैं गांव-गांव भटकती रही और फिर रात के अंधेरे में शैतान के चेले मुझे यहाँ ले आए। अरे भैया मेरे साथ भी यही हुआ था, रात के अंधेरे में घर के आंगन में सोया था और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। तो ये माजरा है। हनुमान जी ने पूरा दिन मजदूरों के साथ काम किया और रात को वो उनके बीच ही सो गए, पर जैसे ही उन्हें आहट सुनाई दी वो उस दिशा में चल पड़े। उन्होंने देखा कि सारे शैतान के चेले एक साथ बैठे थे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है मरने आया है। इसकी मौत इसे यहाँ खींच लाई है। अब किसकी मौत होगी ये तो प्रभु श्री राम ही बता सकते हैं। अरे इस राम भक्त की हड्डियाँ तोड़ दो। शैतान के दो चेले युवक की ओर बढ़ते हैं। युवक हवा में उड़ते हुए शैतान के चेलों पर हमला करता है। हैं? ये कैसा जादू है? जादू नहीं, प्रभु श्री राम की भक्ति है। क्या मतलब? युवक हनुमान जी में बदल जाते हैं और हनुमान जी अपने बड़े से गदे से शैतान के चेलों को पीटने लगते हैं। बहुत अत्याचार किया तुम लोगों ने, अब तुम्हें तुम्हारा दंड तो मिलेगा ही। और ये सब हमने अपने आका की आज्ञा से ही किया है, हमें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। इस पाप के लिए ना तुम्हें माफी मिलेगी और ना तुम्हारे आका को। हनुमान जी ने अपने गदे से हर चेले के सर पर मारा और वो सब जमीन में धस गए। तुम्हारे लिए यही सजा है, कीड़े मकोड़े तुम्हें काट काट कर खा लेंगे। हनुमान जी वहाँ से उड़कर शैतान के पास पहुँचे। उठ जा पापी, और उसे उठाकर उसे पीटने लगे। तुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है ना, सोना चाहिए तुझे। हनुमान जी ने उसके कमरे से एक सोने का खंभा उखाड़ लिया और उसी खंभे से शैतान को पीटने लगे। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने इतने सारे मासूमों की जिंदगी खराब की है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी ने शैतान के सिर पर मार कर उसे भी जमीन में धसा दिया। शैतान माफी मांग रहा था पर उन्होंने उसे माफ नहीं किया।
फिर हनुमान जी मजदूरों के पास लौटे। सारे मजदूर सो रहे थे। हनुमान जी ने सभी को उठाया और बादलों में उड़ने लगे। हनुमान जी ने हर गरीब मजदूर को उसके घर छोड़ा, सिवाय उस बूढ़ी अम्मा के। उस बूढ़ी अम्मा को हनुमान जी ने एक आश्रम के आंगन में छोड़ा और वहां से चले गए। सुबह जब बूढ़ी अम्मा की नींद खुली तो वो हैरान थी, मैं यहाँ कैसे पहुँची? महाबली हनुमान जी की कृपा से इस आश्रम में सभी उन्हीं की मर्जी से होता है। जय हनुमान। हनुमान जी ने अपने भक्त की भी रक्षा की और सारे पीड़ितों को भी उनके घर पहुंचा दिया। शैतान और उसके चेले अभी भी जमीन में धंसे हुए हैं। लगता नहीं कि वो कभी जमीन से बाहर निकल पाएंगे। हनुमान जी ने सब कुछ ठीक कर दिया और सभी की खुशी देखकर हनुमान जी खुद भी मुस्कुराए। जय श्री राम।